एक बहुत बड़ी खेत सीमा के नियंत्रण रेखा के पास से बरामद हुई और मेरे साथ एसएसपी कोर्ट में और इनसे बात करेंगे कि क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है। सर आज एक बहुत बड़ी जो है वो सक्सेस मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी खेत पकड़ी गई है, सर क्या कहेंगे इसको? जो मिलता है लगातार सर जैसे यूथ आप जिन्होंने काफी इन्वॉल्व हो रहा है इसको लेकर, मतलब बस की चपेट में आ रहा है और दुश्मन देश चाहता ही यही है कि जो है वो भारत का जो यूथ है उसको बर्बाद किया जाए, तो ऐसे में सर पुलिस के और क्या प्रयास रहेंगे जो इसको कंट्रोल करने का? ये दो तरफ हमारा कोशिश रहेगा। पहला जैसे आप देख रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी लड़के वाले चीजें मिल रहे हैं उसको हम रोके। इसलिए है कि आप जैसे आपको पता है कि हमारा इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई ना कहीं का एफर्ट रहता है कि कुछ नारकोटिक्स को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, जेएनके पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रहते हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च पे चलते रहे और हमें इसमें सफलता मिले। इसी अस्ना के दौरान, इसी सिलसिले के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे ऑफिसर लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो क्रीम नारकोटिक्स रिकवर हुआ है जिसमें हम एफआईआर लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी उसके कोई लिंकेजेस होंगे जो उसमें आगे के कुछ क्लोज होगा उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक चीज का बड़ा यकीन दहानी दिलाता हूँ कि हमारी एलओसी पर जो फोर्सेज है, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी पैरामिलिट्रीज है, हमारे जेएन के पुलिस है, हमारे एसएसबी कंपोनेंट है, हमारे थाने की, हमारे बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम अगर कोई ऐसी साजिश करें भी हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खासकर जो हमारे लोग इस चीजों को देखते हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल मैं दो चीजों में से बात करूंगा। एक, आपके आसपास अगर कोई नशा बेचता पाया जा रहा है उसके बारे में हमें बताएं और आपकी पहचान टोटली सीक्रेट गुप्त रखी जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस बवाल में फंस चुके हैं उनके पेरेंट्स के लिए मेरा ओपन इनविटेशन है, एसडीपीओ साहब के पास है, मेरे पास है, एसएचओ साहब के पास है, हम उनके बच्चों को खुद गाड़ी देंगे, जम्मू लेकर उनका इलाज करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को इस बवाल में फंसा हुआ है, इस चीज को छुपाए मत, खुल के सामने है। 15 किलो के करीब